नमस्कार। आज मैं इमरती बनाऊंगी। इसके लिए मैं एक कटोरी दाल 2 घंटा पहले फुला के रख दी थी और इसमें मैं 1 चम्मच चावल भी डाल दी थी। दाल अच्छी तरह फूल गया है, चावल भी फूल गया है। इसको हम एक मिक्सर के जार ले लेंगे और इसको पीस देंगे। मैं कटोरी चीनी ले ली हूँ और उतना ही पानी ले ली हूँ। एक टोप में इसको चाशनी के लिए रख देती हूँ। दाल में थोड़ा सा पानी डाल के हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, पहले पीसते हैं फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी डालेंगे। इसमें एक भी दाल नहीं रहे, एकदम इसको पूरे दाल पीस से ऐसा थोड़ा और पानी डालेंगे और इसको पीस लेते हैं। एकदम बारीक पेस्ट बनाएंगे। चाशनी में हम इस तरह से चॉकलेट है ऑरेंज का है इसको हम डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा केसर के दाने डाल देंगे। चाहे तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं, जलेबी का कलर आता है वो भी इसमें डाला जा सकता है। चाहे तो आप इस तरह से भी कलर बना सकते हैं, ये भी अच्छा कलर आ जाएगा। ये दाल बहुत अच्छी तरह से पिस गई है। इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह का पेस्ट है। इसको हम अच्छी तरह से फेटेंगे। इसको जितना ही फेटेंगे उतना इसमें फूल के ऊपर आएगा। इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालेंगे, कोई कलर भी नहीं डालेंगे। चाहे तो आप कलर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। फटते हुए 5 मिनट तो हो गए हैं, तो लगातार और फटेंगे। जिस तरह से दही बड़ा बनाते हैं हम, उस तरह से इसको एक बार देख लेते हैं। इसको चेक करने का एक तरीका है कि अगर हम इसमें पानी में डालेंगे ऊपर आ गया, मतलब हमारा आटा बराबर बना है। अभी फेटने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम तेल रख लेते हैं। हमारी चाशनी भी बन गई है। ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना है, गुलाब जामुन जैसा ही बनाना है। गैस बंद कर देते हैं। मिर्ची बनाने के लिए उसका एक जलेबी मेकर होता है, अगर वो नहीं है तो एक हम कॉटन का साफ मोटा कपड़ा ले लेंगे, इसमें भर के और इसमें होल करके हम बनाएंगे। एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, जाड़ा कपड़ा लेंगे, जलेबी मेकर ये सब नहीं है तो, और हम एक इसमें होल कर देंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे, बहुत तेज नहीं करेंगे।
तेज करते हैं बस, तो कुरकुरी बन जाएगी, नहीं तो नरम बनेगी हमारी लिट्टी। इसको हम अच्छी कुरकुरी होने तक तलेंगे, तो नरम पड़ जाएगी। लिट्टी हमारी काफी अच्छी कुरकुरी तल गई है, इसको निकाल के और हम पूरा चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी हमारी एक तार की बनी हुई है, अच्छी चाशनी है। इसमें इसको अच्छी तरह से डूबा रहने देंगे कि रस पी ले। दूसरी भी बनाते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, ये तो हाथ पे लगता है। देखिए कितनी अच्छी रस पी ली है, अच्छे तरह से डूब गई है रस में, और कितना सुंदर कलर आया है। इसको हम निकाल लेंगे। देखिए जितनी मुश्किल लगती है बनाना, उतना ही आसान है बनाना। चाशनी में डाल देंगे तुरंत और कैसे दबा देंगे। अच्छी तरह से रस पी लेंगे। किस तरह से रस पी के एकदम पूरी रस भर गई है। इसको निकाल लेते हैं। देखिए मेरी सारी मिर्ची बन गई है और काफी जूसी बनी है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, पर जलेबी तो टेढ़ी ही अच्छी लगती है। थोड़ी अच्छी बनी है, थोड़ी टेढ़ी बन गई है। एक कटोरी दाल में कितना सारा बना, आप भी बनाइए और बताइए कैसी बनी है। अगर कुछ सलाह या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।